हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज है दिन बृहस्पतिवार और आज सातवां दिन है और होली के सात दिन हो गए हैं और कल है शीतलाष्टमी। और आज मैं शाम को मेरे घर में बासी खाना बनता है, उसी के कल भोग लगते हैं और उसी से पूजा होकर फिर भोग लगाया जाता है, उसे हम लोग बसवाड़ कहते हैं। तो आज हमारे यहाँ उसके लिए साफ़ सुथरा करके मैंने किचन क्लीन कर लिया है और मैं अब बनाने जा रही हूँ बसवाड़ा, जो कि आज नहीं खाया जाएगा, वो अलग मंदिर के पास रख करके फ्रिज में रख दिया जाएगा और कल सुबह उसका भोग लगेगा, देन हम लोग उसको प्रसाद के रूप में बच्चों को देंगे और हम लोग खाएंगे। तो आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। तो सॉरी, मैं बनाने वाली हूँ छोले आलू की रसी की सब्जी, सिंपल सी सादी, और एक हिसाब से देखा जाए तो फलहार टाइप की, क्योंकि इसका भोग लगेगा कल। तो छोले हैं और छोले में हम बॉइल मैंने किए हुए आलू रखे हैं, ये आलू है, इनको मिलाकर मैं बनाऊंगी इसकी रसी की सब्जी और पूड़िया। और कद्दू मैंने मंगाया है, हस्बैंड वाइफ लेके आएंगे तो मैं कद्दू आलू की सब्जी बनाकर ये सब मैं अलग रख दूँ, फिर मैं रात का खाना, रात के खाने में कुछ नहीं बनाऊंगी। ये बोल रहा था इसका बिल करेंगे ना, तो इसमें आप बस लेना, और कोई नहीं है छोले हम किनारे रखेंगे, नहीं लाइन कलर है वो कैबिनेट के लिए, इसको मॉडिफाई करके इसमें ऐड कर दो ना, तो बोल रहे हैं वो कि ये ग्रीन खा लिया है, थैंक यू। हां चलो ये खा के ये मौका दो, जीरे और खड़े लाल मिर्चों से ही करूँगी मैं तड़का, लगाऊंगी इसको क्योंकि ये पूजा का है। हाँ
लाल मिर्ची पाउडर और हम भी डाल देंगे टमाटर। डालते हैं नमक इसमें एक चम्मच, डेढ़ चम्मच करीब नमक डालते हैं। अब इसको थोड़ी देर पकाते हैं, इसमें टमाटर डाल दें। इसमें डाल देते हैं पानी, छोले के साथ बॉईल किया हुआ पानी है जिसमें लौंग इलायची सब में सब खड़े मसाले डाल देते हैं। इसमें पानी डाल दिया है और हम इसमें एक सीटी लगा देंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ उड़द की दाल पिसी हुई, इसको हम लोग धोई बोलते हैं, तो इसको भरना नहीं पड़ेगा। ये झटपट बनने वाली कचौड़ियाँ हैं जिसमें और मिलाएंगे हम और तीन डालेंगे और थोड़ा सा नमक, बहुत ही अच्छी बनती है पूरी। इसमें हम डालेंगे घी, इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल।
मैं छोटी सी बना रही हूँ पूरी, और हमारा गर्म हो गया। इससे बीमारियाँ नहीं होती हैं गर्मी से रिलेटेड, और शीतला माता रक्षा करती हैं सबकी। और अब मैं बनाऊंगी घर के खाने के लिए पूड़ी और आलू टमाटर की रसी की सब्जी। ये खाना हम हटा देंगे, अलग किनारे कर देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने छोले बना लिए हैं, और ये करीब पूड़ियाँ बना ली हैं। इन सबको अलग कर देते हैं, फिर हम बनाते हैं अपने घर का रात का डिनर, पूरी और सब्जी आलू की टमाटर की। इसको हम किनारे करते हैं। अब ये मैं किनारे कर लूंगी ढाकर। ये वीडियो उसके आगे का वीडियो है जब मैंने मसौड़ा बनाया था, और उसके बाद भी मैंने घर के खाने के लिए ये आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा सा ठाली टमाटर डाल दिया। इस वीडियो का एंड हम यहीं पे करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये बछौड़े की रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोगों के यहाँ भी बनाई जाती होगी। सो इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। ओके, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब। लव यू ऑल।